एक प्रोजेक्टर लेना है, वो भी 4K, उसका नीचे तो नहीं, बेस 4K प्रोजेक्टर, ईगेट L9 4K प्रोजेक्टर, बोस 4K, ZQuest 6 4K, यहाँ पे T6 4K, तो ये है गजब की सस्ता 4K प्रोजेक्टर। दाम है किसी का 10, 12, 15, 20 हजार, इसी में आपको 4K मिल जाता है। कुछ दिखाते हैं आपको। विश्वास है इसमें कुछ खास है। अब मुझे बताओ ये सीमेंट की एड में ये लड़की रेड ड्रेस पहन के शी शोर में क्या कर रही है और बोल रही है विश्वास है इसमें कुछ खास है। क्या खास है इसमें? और ये लाल ड्रेस लड़की का सीमेंट की एड में जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस ये सारे प्रोजेक्टर में 4K का है, समझ रहे हो? तो ये 4K प्रोजेक्टर्स होता क्या है? दिस इज द रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब है 4 फुल HD इमेज को कंबाइन करे तो जाके बनता है एक 4K इमेज। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 रियल 4K प्रोजेक्टर्स, जिनमें 2 होगा एकदम सस्ता और 2 होगा बेस्ट 4K प्रोजेक्टर्स। बेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड का बेस्ट 4K प्रोजेक्टर्स। और ये सारे प्रोजेक्टर्स में ना कोई टोबीबाजी है और ना ही ये सीमेंट वाली लड़की। तो हमारा लिस्ट में पहला सस्ता 4K प्रोजेक्टर है BenQ TK 800M और इसका दाम है लगभग 1.4 लाख। ये सस्ता है? हाँ भाई, ये 4K में सस्ता प्रोजेक्टर ही है। और इसका नीचे आपको कुछ प्रोजेक्टर मिल जाएगा सस्ता वाला 70,000 के आसपास। आई विल रिकमेंड यू कि आप प्लीज उस प्रोजेक्टर के साथ में मत जाइए, उससे बेहतर आप फुल HD प्रोजेक्टर ले जाइए 20,000 के आसपास। लेकिन अगर आप 70,000 खर्च करने के बाद आपको क्वालिटी नहीं मिले तो क्या फायदा? तो या तो आप 20,000 में रहिए, फुल HD में एंजॉय करिए, या तो आप 4K तक आ जाइए ये प्रोजेक्टर के साथ में, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और ये BenQ प्रोजेक्टर यूज करते हैं DLP टेक्नोलॉजीज। लेकिन इसके बाद में जो प्रोजेक्टर बताने वाला हूँ वो तो भाई नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी यूज करता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम BenQ को बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये प्रोजेक्टर आता है 3000 ANSI लूमेंस के साथ में और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 10,000:1। तो रेजोल्यूशन तो 4K ही है, प्लस कमाल का ब्राइटनेस दिया गया है एज वेल एज द कॉन्ट्रास्ट रेशियो। पिक्चर जबरदस्त मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें HDR10 यानी हाई डायनेमिक रेंज का सपोर्ट दिया गया है जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो को फर्दर पुश अप करता है। और तो और इसमें आ रहा है HLG का सपोर्ट, दैट इज हाइब्रिड लॉग गामा, जो कलर डेप्थ को एनहांस करता है। और ये प्रोजेक्टर उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है जो स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिया गया है जिससे आपको स्पोर्ट्स का एंटरटेनमेंट वैल्यू डबल होने वाला है। प्लस ये आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। अगर आपके अंदर में गेमिंग का कीड़ा है तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए है। प्लस TK 800 को खास बनाता है इसका 3D का सपोर्ट। लेकिन ये प्रोजेक्टर का एक खामी है, दैट इज ये स्मार्ट प्रोजेक्टर नहीं है। और ये ड्रॉबैक को दूर करने के लिए इसके साथ आता है 4K Amazon Fire TV स्टिक, जो ये प्रोजेक्टर को पूरी तरह स्मार्ट बना देगा। हमारा लिस्ट में नेक्स्ट चीपेस्ट 4K प्रोजेक्टर है MI Mijia और ये प्रोजेक्टर यूज करता है लेजर टेक्नोलॉजी का। और सबसे तगड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जो बस 30 सेंटीमीटर का दूरी से ही 120 इंच का ह्यूज स्क्रीन बना सकता है। और मजे की बात पता है आपको, मेरे पास भी अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, पर ये MI Mijia का छिलका है, सस्ता वाला एकदम। और हम इसी से ही खुश है क्योंकि औकात बोल के भी कोई चीज होती है। और MI Mijia एक एंट्री लेवल अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है। और इसके बाद जो मैं प्रोजेक्टर बताने वाला हूँ वो है वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, दे आर द बेस्ट। लेकिन उससे पहले इसका फीचर जान लेते हैं। और ये प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस है 5000 लूमेंस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 3500:1, जो नेक्स्ट लेवल पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ MI Mijia यूज करता है एडवांस लेजर फॉस्फर डिस्प्ले, जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है हाई कलर एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए। मोस्टली जो प्रोजेक्टर होते हैं वो यूज करते हैं मेटल हैलाइड लैंप, जिसका लैंप लाइफ होता है 15,000 आवर्स, जबकि MI Mijia यूज करता है लेजर टेक्नोलॉजी जिसका लैंप लाइफ होता है 25,000 आवर्स। दैट इज द ह्यूज प्लस पॉइंट इन लेजर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो आता है एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ में, जिसमें 2GB का रैम दिया गया है और 16GB का स्टोरेज भी दिया गया है। और एंड्रॉइड TV 9 के साथ में आता है गूगल प्ले स्टोर, जिससे आप अपने मनपसंद ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्टर के अंदर में। साथ ही साथ आप सारे OTT प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर सकते हो, प्लस गेम को एंजॉय कर सकते हो और इस पे कोई लैगिंग बिल्कुल नहीं होने वाला। प्लस इसमें आ रहा है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, जस्ट मुंह खोल के बोलना दे दिया कंटेंट आपके सामने। और ये प्रोजेक्टर का खासियत है कि ये ऑटो फोकस के साथ में आता है, जस्ट स्क्रीन के सामने रखो और आपका स्क्रीन रेडी। और बाकी प्रोजेक्टर्स में आपको थोड़ा फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन कनेक्शन का भी फीचर्स दिया गया है। प्लस इसमें आ रहा है 2 हाई क्वालिटी 15 वाट के स्पीकर्स। तो मेरा बोलना यह है कि जब आप इतना खर्च कर रहे हो प्रोजेक्टर में, व्हाई डोंट यू गो फॉर डॉल्बी स्पीकर्स, तभी तो आपको रियल थिएटर फीलिंग का मजा मिलेगा। नेक्स्ट, द बेस्ट 4K प्रोजेक्टर अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज वावा 4K प्रोजेक्टर। और ये भी एक अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है। अगर इतना खर्च कर रहे हो तो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो से नीचे तो जाना ही नहीं बिल्कुल। वावा का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 3000
16,000:1 और ब्राइटनेस है 6,000 लूमेंस। साथ ही साथ इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है, दैट मेक्स द पिक्चर क्वालिटी ऑसम। और तो और ये आता है ALPD वर्जन 3 के साथ में, तो ऑल टुगेदर यू आर गोइंग टू गेट ए ऑसम पिक्चर क्वालिटी। और ये प्रोजेक्टर 7.2 इंच की दूरी से ही 100 इंच का बड़ा स्क्रीन बना सकता है और हाईएस्ट स्क्रीन अप टू 150 इंच तक बना सकता है। उससे बड़ा भी बना सकता है लेकिन नॉट रिकमेंडेड, बड़ा बनेगा तो क्वालिटी घटेगा, दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट प्लस पॉइंट इज द लेजर टेक्नोलॉजी जो लगभग 25,000 आवर्स ऑफ लैंप लाइफ देता है। तो इतना सारा लैंप लाइफ मतलब अगर आप दिन में 4 घंटा भी देखते हो तो ये लगभग 17 साल तक कोई कंप्लेंट नहीं देगा। वैसे आप 4 घंटा दिन में देख पाओगे, उतना वक्त होगा आपके पास में। और वावा ने ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान दिया है क्योंकि इसमें दिया गया है हार्मन कार्डन साउंड बार जो सुपर क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करता है विद DTS HD एंड डॉल्बी ऑडियो। एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्टर इज द वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव होम थिएटर प्रोजेक्टर, आता है LG की तरफ से HU85LA अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। इसका भी फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है वावा 4K की तरह। इसमें 2700 ANSI का ब्राइटनेस दिया गया है, HDR10 का सपोर्ट है, लेजर टेक्नोलॉजी है और 7.1 इंच के दूरी से ही 120 इंच का बड़ा स्क्रीन बना सकता है। तो ये प्रोजेक्टर के बारे में ज्यादा बोलना आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि इसका दाम है अराउंड 7 लाख रुपीज और जो ये प्रोजेक्टर लेगा वो पक्का है कि मेरा जैसा खत्म यूट्यूबर का तो कभी सुनेगा नहीं, वो सुनेगा भी तो बड़ा यूट्यूबर का ही सुनेगा। तो इसके बारे में क्यों बोले, तो अभी तक हमने दो टेक्नोलॉजी पे बात किया है, वन इज लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर एंड अदर इज अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। और ये दोनों टेक्नोलॉजी में बेहतर कौन सा है और किसके साथ आपको जाना चाहिए, ये रहा पूरा वीडियो। और अगर आपका बजट टाइट है और ये वीडियो देख के 4K का भूत उतर गया है तो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्टर हमने यहाँ रखा है, देख लीजिए और अपना घर को एक थिएटर बना दीजिए। बाय।